हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो नया टॉपिक है वो रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, जो भी करेक्टर्स या ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने वाली जो कड़ी होती है, यूनिट होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी इनहेरिटेंस के लिए जो बेसिस रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं और जो जीन होते हैं वो किसी भी ट्रेट को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेकर जाते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स और जीन होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जो फैक्टर या जीन जिस चीज़ पर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है इसके बारे में हम 11th के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ एक बात करते हैं कि सेल, सेल कोई भी सेल ले लेते हैं, सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो यानी ये धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर बाद में किसमें कन्वर्ट होती है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होती है। और क्रोमोसोम जो होता है उसमें ये इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। हालांकि ये डीएनए तो है लेकिन इस पर एक परत बन जाती है और ये कंडेंस होकर, छोटा होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डीएनए है इस डीएनए पर छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जीन जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। ये जो जीन होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर करेक्टर्स को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह से हैं, एक तो है डीएनए की फॉर्म में और दूसरा किस फॉर्म में है, आरएनए की फॉर्म में होता है। तो डीएनए और आरएनए दो क्या हुए, न्यूक्लिक एसिड हुए, न्यूक्लिक एसिड। इनका नाम याद कर लेते हैं सबसे पहले, डीएनए, डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए के लिए याद रखोगे क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दो कंडीशन होगी, एक तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा कौन सा हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार नाम याद कर लो आप, डीएनए के लिए डीऑक्सी और आरएनए के लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, लेकिन किसको छोड़कर, वायरस को छोड़कर, किसको छोड़कर, वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए भी होता है लेकिन कुछ वायरस को छोड़कर। ठीक है, जैसे अब आरएनए की बात करें तो आरएनए एचआईवी वायरस में प्रेजेंट है, ठीक है, कोरोना वायरस में प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो सिंपल फॉर्म अपन याद करें कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए दो फॉर्म है, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो जीन प्रेजेंट है ये जीन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहती है और जहाँ से ये ट्रेड्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अपन लेकर चलते हैं स्ट्रक्चर द डीएनए, डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है, ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। और ये क्या है, एक एसिडिक मीडियम है, ये एक एसिडिक मीडियम है जो अपन बात कर चुके हैं कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें कि इसके सबसे पहले किसने बताया, तो आपने याद करना है 1869, किसका नाम याद रखोगे, मिशर का नाम याद रखोगे, फ्रेडरिक मिशर का नाम याद करोगे, मिशर ने सबसे पहले इसे बताया था।
ठीक है। और इसने नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है तो क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। किसने दिया, मिशर ने। याद रखोगे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और 1869 में न्यूक्लिन नाम दिया था मिशर ने, मिशर न्यूक्लिन, मिशर न्यूक्लिन। ठीक है, इस तरीके से आप याद करोगे। नेक्स्ट, अब आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, भाई न्यूक्लिन नाम तो किसने दिया था, मिश्र ने, तो न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया। तो आप एक नाम याद रखोगे, अल्टमान, अल्टमैन या अल्टमान, अल्टमान। ठीक है, तो अल्टमान का नाम याद रखोगे किसके लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आप याद रखो कि ये जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड डेफिनेशन जो आएगी, इसके बारे में भी देखते हैं अपन। ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना टाइड, इसके बारे में देखते हैं फिर, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल जो होंगे उसी से मिलकर बना है ना, तो अपन बात करते हैं इसकी। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि ये जो डीएनए की लेंथ होती है, डीएनए की जो लेंथ है, लंबाई है, वो लंबाई जो है वो किस पर डिपेंड रहती है, वो डिपेंड रहती है न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जितने होंगे उसके हिसाब से ही तो क्या बनेगी, इसकी लेंथ बनेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, यानी वो क्या बनाएंगे, लेंथ ऑफ डीएनए बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, एसिडिक नेचर है, कहाँ प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, मिशर का नाम न्यूक्लिन के लिए, और न्यूक्लिक एसिड अल्टमान। ठीक है, इतनी बात उन्होंने याद रखनी। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो अगर लेंथ बनाए, तो अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स कि Si174 बैक्टीरियोफेज जो है उसमें डीएनए जो प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, लेकिन वो सर्कुलर है, और उसके अंदर जो बेस पेयर प्रेजेंट है वो कितने हैं, 5386 बेस पेयर्स। ठीक है, इसी तरीके से लैम्डा फेज डीएनए में देखें तो लैम्डा फेज के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 48502 48502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ई कोलाई के अंदर देखें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ है 4.6 × 10 की पावर 6 बेस पेयर। इसी तरीके से ह्यूमन जीनोम के अंदर देखें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर फॉर्म में है, 3.3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये बेस पेयर ही लेंथ बनाते हैं डीएनए की, और इनके बेसिस पर ही लेंथ डिसाइड होती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ये चार एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं ये अपनों ने ढंग से याद करने हैं। नेक्स्ट देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियो टाइट, पॉली न्यूक्लियो टाइट। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो डीएनए है उस डीएनए की स्ट्रक्चर में ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप याद करें इसका रॉ मटेरियल डीएनए के लिए, एक तो आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए राइबोज शुगर। क्या होनी चाहिए, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। ठीक है, लेकिन मैंने आपको फुल फॉर्म में जब बताया कि वो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है, तो राइबोज में अपन एक ओ यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ओ जो प्रेजेंट है उसे अपन रिमूव करते हैं जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपने याद रखना है राइबोज की कौन सी फॉर्म चाहिएगी, डी ऑक्सी राइबो शुगर, डी ऑक्सी राइबो शुगर, तभी तो नाम क्या बनेगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा यहाँ चाहिएगा अपने को फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, और थर्ड चाहिएगा अपने को नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस। तो तीन चीजें याद कीजिए रॉ मटेरियल के अंदर, राइबोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस यहाँ दो तरह से होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस यहाँ दो तरीके के हैं, प्यूरीन और पिरिमिडिन। नाइट्रोजन बेसिस के टू टाइप, प्यूरीन और पिरिमिडिन। ठीक है, तो जो प्यूरीन्स है, प्यूरीन्स के अंदर दो कैटेगरी है, एक तो है एडेनिन की, दूसरी है गुआनिन की। तो एडेनिन के लिए याद रखोगे सिंबल कैपिटल ए, और ऐसे ही सेम गुआनिन के लिए याद रखेंगे अपन कैपिटल जी। ठीक है, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में तीन अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि दो कैटेगरी तो यूज हो रही है किसके अंदर, डीएनए में, और जो थर्ड वाली ये जो यूरेसिल दिखाया है ये थाइमिन की जगह यूज होती है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो टी है थाइमिन, ठीक है, ये डीएनए में यूज हो रहा है, और यूरेसिल यू ये टी की जगह आरएनए में यूज होगा। ठीक है, यानी थाइमिन जो है वो डीएनए में ही होता है, आरएनए में नहीं होता है, और साइटोसिन सी। ठीक है, साइटोसिन को
सी से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास में प्यूरीन की कैटेगरी आ चुकी है। प्यूरीन जो है वैसे चार प्रकार के हैं, सॉरी नाइट्रोजन बेसिस चार प्रकार के हैं, प्यूरीन में दो है, पिरिमिडिन में दो है। तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो प्यूरीन और पिरिमिडिन अलग अलग दो टाइप हो चुके हैं, एडिनिन और गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो पिरिमिडिन और प्यूरिन, पिरिमिडिन और प्यूरिन दो टाइप है नाइट्रोजन बेसिस के, जिसमें चार अपन ये अलग अलग से नाइट्रोजन बेसिस याद करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ये याद करने में। इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये डीएनए के अंदर ए और टी, सी और जी इस तरह की बॉन्डिंग बनाएंगे, जो हम आगे में पढ़ेंगे। चार ग्राफ रूल कहते हैं इसको, यानी ए के सामने हमेशा टी आएगा, सी के सामने हमेशा जी आएगा। ए जो है वो टी के साथ में डबल बॉन्ड से, और सी जो है वो जी के सामने ट्रिपल बॉन्ड से। अब क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो आरएनए के अंदर क्या सीक्वेंस रहेगी बताइए। इस डायग्राम को देखकर आप ये बताओ, ये जो बॉक्स बनाया है इस बॉक्स को देखकर आप बताइए कि आरएनए के अंदर क्या सीक्वेंस होगी। फिर आप क्या कहोगे, ए जो है उसके सामने टी नहीं आएगा, वहां यू आएगा। ठीक है, ए जो है वहां उसके सामने टी की जगह यू आएगा, यानी अपन अभी पढ़ के आए हैं। थायमिन की जगह क्या होगा, वहां यूरेसिल होगा। ठीक है, एक और छोटी सी टर्म आई थी न्यूक्लियोटाइड, तो अपन यहां पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और दूसरी है न्यूक्लियो साइड। तो सबसे पहले न्यूक्लियो साइड को ही पढ़ ले। ठीक है, तो याद रखने का तरीका है, देखो जब भी ये दोनों डेफिनेशन आपको मिले या पेपर में कोई डिफरेंस मिले, तो अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर नाइट्रोजन बेसिस, एन को लेकर क्या कहेंगे, नाइट्रोजन बेसिस, और एस, एस का मतलब शुगर, और शुगर कौन सी है यहाँ पर, राइबोज शुगर, यानी डीऑक्सी राइबोज। राइबोज तो फुल शुगर है, लेकिन डीएनए में कौन सी यूज करनी है, डीऑक्सी। तो शुगर डीऑक्सी राइबोज प्लस नाइट्रोजन बेसिस दोनों को अगर मिला दें, दोनों को बॉन्डिंग कर दें, तो क्या कहेंगे उसे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब अगली जो टर्म है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, टाइड। अब टाइड से याद रखो तीनों तीनों क्या क्या चीजें रॉ मटेरियल में, राइबोज शुगर यानी कौन सी फॉर्म लेनी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और राइबो फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस, यानी राइबोज के लिए डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेसिस। जब हम इन तीनों को जोड़ दें, नाइट्रोजन बेसिस प्लस फॉस्फेट प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा वो, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इतनी अपने को याद हो जाएगा, बहुत इजी है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों चीजें, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन बेसिस और शुगर, ये दो चीजें मिलाकर ये डेफिनेशन में अपन इसका डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक याद करना अपने, ए और टी, सी और जी। लेकिन आरएनए जो होता है उसकी जगह क्या आएगा, यूरेसिल, और ये नाइट्रोजन बेसिस में प्यूरिन और पिरिमिडिन के दो टाइप है अलग अलग। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन समझने के बाद अपन देखें कि पॉली जो न्यूक्लियोटाइड चेन है उसके अंदर जो बॉन्डिंग रहेगी तीनों की, तीनों कौन, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट और शुगर, तो वो बॉन्डिंग किस तरह की रहती है। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन शो फॉलोइंग टाइप ऑफ लिंकेज, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिंकेज, या बॉन्ड कह सकते हैं अपन, लिंकेज। तो दो टाइप अपन याद रखेंगे यहाँ पर, दो टाइप कौन कौन से हैं, एक तो है एन ग्लाइकोसाइडिक या सिडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और सेकेंड वन फॉस्फो डाइएस्टर, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन याद करेंगे, नाम याद कर लो, सबसे पहले एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और सेकंड कौन सा है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। नाइट्रोजीनस बेस हम बात कर चुके हैं अभी, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस इज लिंक्ड बाय पेंटोज शुगर, बाय पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर बाय
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन दोनों जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसका नाम क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद क्या करोगे? फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूक्लियोटाइड तो बना ही नहीं ना, न्यूक्लियोसाइड बना अभी, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ रहा है कौन? फॉस्फेट ग्रुप। देन फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। वापस ध्यान से सुनिए, नाइट्रोजन बेसिस प्लस शुगर जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और दूसरा, जो नाइट्रोजन बेस और शुगर इनसे बना हुआ क्या? न्यूक्लियोसाइड जो है इनसे बना हुआ क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है उससे अगर क्या जुड़े? फॉस्फेट ग्रुप। और किस बॉन्डिंग को बनाए? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग को। तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, देखो याद कर लो दोबारा से, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। टाइड का मतलब तीनों, तीनों कौन कौन? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, और साइड के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये दो चीजें आपस में जुड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह के लिंकेज शो होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रक्चर है वो अगर देखें तो डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड बनाते हैं, मतलब जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है अगर उनको सेट करें तो, अगर देखें कि ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन डीएनए जो है उसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं इस तरीके से, एक एक जो स्टैंड अप ने इस तरीके से बनाया और दूसरा ये हेलिकल शेप के अंदर अपन को शो हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर ये जो स्टेयर्स बना रखे हैं उन्होंने, ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेसिस है। तो समझते हैं पहले, सबसे पहले ये नाइट्रो जन बेस शुगर और फॉस्फेट किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी अपनों ने क्या देखा कि जो रॉ मटेरियल है उसमें अपन को क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए और शुगर चाहिए। ये तीन चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। टाइड मतलब तीनों, याद रखने का तरीका क्या है? न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों, और साइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड, साइड के अंदर नाइट्रोजन बेस और शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इन स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये जो पेंटोज शुगर है जिसे अपन क्या बोलेंगे? डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के अंदर जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग में देखिए, पी यानी फॉस्फेट, पी यानी फॉस्फेट, पी यानी फॉस्फेट। जब नाइट्रोजन बेस और शुगर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। लेकिन फॉस्फेट जुड़ जाए तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो बॉन्डिंग है, ये वाली जो बॉन्डिंग है, ये वाली, इस बॉन्डिंग को क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी तरीके से ये जो बॉन्डिंग है शुगर की साइड, उसे क्या बोलेंगे? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो स्टैंड है, स्टैंड फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में हेलिकल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक छोटी सी बात याद रखनी है उन्होंने कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको डिराइव करने के लिए हम दो इन्वेस्टिगेशंस याद रखनी है, दो इन्वेस्टिगेशंस यूज करते हैं। एक है एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, क्रिस्टेलोग्राफी। जब भी ये वर्ड आए उसका मतलब, ये विल्किन नाम याद करोगे, विल्किन, और दूसरा है फ्रैंकिन, फ्रैंकिन। इन दोनों ने इसे एक्सरे फॉर्म के अंदर बताया। किसको बताया? किसको बताया? डीएनए के स्ट्रक्चर को, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के अंदर विल्किन व फ्रैंकलिन का नाम याद करोगे, और इन्होंने
एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर को बताया, एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर को बताया, लेकिन इन्होंने डीएनए का मॉडल नहीं बताया, सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर को बताया, जिसके अंदर 3.4 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है उसको शो करके बताया, और इसके अलावा कोई मॉडल नहीं दिया। नंबर सेकंड पे आप याद करोगे, चार गाफ रूल, चार गाफ रूल, इरविन चार गाफ रूल। ये क्या है चार गाफ रूल? इसका मतलब याद रखना है सिंपल सा, कि ए और टी, सी और जी, इनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल रहती है, यानी कि जितने प्यूरीन्स होते हैं उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडिन्स होंगे। ये बात याद रखोगे, जितने प्यूरीन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो चार गाफ का रूल है ये डबल स्टैंडर्ड के लिए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, कि जब सिंगल स्टैंड की बात आएगी तब इस पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूरीन फाउंड इन डीएनए आर एडिनिन एंड गुआनिन, पता है हम पढ़ चुके हैं, प्यूरीन जो है वो ए और जी की फॉर्म में प्रेजेंट है, ए और जी की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही पिरिमिडिन जो है सी और टी की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो बॉन्डिंग अपनों ने देखी थी वो बॉन्डिंग क्या थी? ए डबल बॉन्ड टी, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इस तरीके से, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी आपस में जुड़ते हैं, ए और टी आपस में जुड़ते हैं, यानी एक प्यूरीन दूसरे पिरिमिडिन के साथ में और दूसरा पिरिमिडिन दूसरे प्यूरीन के साथ में इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो याद क्या रखोगे, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन अकर इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो ये अपना चार गाफ का रूल कंप्लीट हुआ। चार गाफ के रूल के बाद अगर देखें अपन, चार गाफ के रूल के बाद देखें तो अपना जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डबल हेलिकल। एक्सरे डिफ्रेक्शन के अंदर उन्होंने नहीं बताया था, विल्किन और फ्रैंकलिन ने, चार गाफ के अकॉर्डिंग ए टी और सी जी बनेंगे, तो ये जो बीच में बॉन्डिंग शो कर रखी है कौन सी है? ए और टी, सी और जी, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी डबल बॉन्ड ए और ए डबल बॉन्ड टी, इस तरीके से सारों के अंदर ये बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। ये जो स्टैंड है, जो रिबन दिख रही है आपको, ये जो रिबन है ये ब्लैक वाली, ये रिबन, इस रिबन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है शुगर और दूसरा है फॉस्फेट, यानी यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है, डाइएस्टर बॉन्ड बनता है यहाँ पर, और बीच के अंदर ये जो जो लाइनें अपन को दिख रही है रेड कलर की लाइनें, ये है नाइट्रोजन बेसिस। तो एक चीज याद रखोगे कि डीएनए का एक राउंड, मान लीजिए यहाँ से एक राउंड शुरू करते हैं, यहाँ पर एक राउंड खत्म हो रहा है, ये एक इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है, ना कि एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई, लिपटी हुई नहीं है। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये अपन को इस तरीके से शो होगी, ठीक है, जैसे सीढ़ी होती है ना, स्टेयर्स, उस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से बिल्कुल सीधे इस तरह से बनेगी, तो ये एक दूसरे पर लिपटी नहीं है, हेलिकल टाइप से है, ठीक है। तो यहां से मान लो शुरू करते हैं अपन राउंड, तो एक राउंड जो होता है उसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं, ये बात याद रखनी है, एक जो राउंड रहता है उसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, और 10 बेस पेयर की टोटल लेंथ अगर देखें तो वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस जब 10 की पता है आपको तो 2 की बता सकते हो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम रहेगी। और 10 एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे, 10 ये जो बेस पेयर इनकी बात करेंगे तो क्या होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। और ये जो दोनों स्टैंड है, ये दोनों स्टैंड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू आपने याद रखनी है, 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम, अगर ये ऐसे 10 बेस पेयर है उनकी डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम, और इस तरीके से 2 स्टैंड के बीच की 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं कि ये डीएनए का जो डबल स्टैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ रखे हैं ये शुगर, शुगर और शुगर, इस तरीके से 2 शुगर के बीच के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। इसी तरीके से जो शुगर है और ये बीच के जो
नाइट्रोजन बेस है, इनके साथ में जो बॉन्ड बन रहा है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, दो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये नाइट्रोजन बेस दोनों बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनती है। और जैसे ये शुगर में ये वाला हिस्सा फ्री है, इस शुगर के अंदर ये फ्री है, तो आप याद क्या करोगे, इस शुगर के अंदर ये तीन नंबर कार्बन की साइड फ्री है तो ये रखेंगे 3-, इसी तरीके से यहाँ पर पांच नंबर की साइड फ्री है तो क्या लिखेंगे 5-, इसी तरीके से यहाँ पर पांच नंबर कार्बन की साइड फ्री है तो अपन लिखेंगे 5-, और यहां पर 3-, की साइड फ्री है तो अपन क्या लिखेंगे 3-। तो डीएनए जो है वो 5- और 3-, अपन अपनी साइड जो होती है वो 5- और 3- से डिनोट करते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर, उसमें एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, चारकाफ रूल, और स्ट्रक्चर के अंदर 3.4 वैल्यू, 34 वैल्यू, 20 एंगस्ट्रॉम वैल्यू, और दोनों के बीच की बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ATCG, ये आप याद करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डीएनए की जो टाइप्स देखें अगर, तो टाइप्स जो होते हैं वो ABCD और Z टाइप्स, डीएनए के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले ABCD और Z इस तरीके से लिख लेंगे। और याद करने के लिए सबसे बढ़िया जो रहेगा अपने लिए वो ये रहेगा कि अपन को अभी जो पढ़ के हैं ना वो कौन सा डीएनए, BDNA, और उसमें एक राउंड के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो BDNA के लिए अपन बेस पेयर लिख देते हैं, बेस पेयर कितने हैं 10। ठीक है, तो अब डी से शुरू करते हैं वापस उल्टा से। ठीक है, तो डी जो है उसके अंदर है 8, सी के अंदर एक बार 9 लिख लेते हैं, पॉइंटों में होता है 9, फिर ये कितना हुआ 10, और यहाँ कितना हुआ 11। इस तरह से एक अपने पास में सीक्वेंस बन गई 8, 9, 10 और 11। सी जो है उसके अंदर 9.33 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक राउंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाला बचा है जेड, उसके अंदर 11 के बाद 12, तो अपन एक सीक्वेंस याद करें तो ABCD Z, जेड यानी जिगजैग शेप का, तो डी से शुरू करें उल्टा तो 8, 9, 10, 11 और 12, ये तो हो गया इनका बेस पेयर। ठीक है, इनकी जो रोटेशन है, मतलब वो अपन हिंदी में बोले तो दक्षिणावर्त है या वामावर्त है, उस देखें तो अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन। रोटेशन में देखें जो ए है वो है राइट हैंडेड, ए जो है वो क्या है राइट हैंडेड है। ठीक है, इसी तरीके से जो बी है वो भी क्या है, राइट हैंडेड है। उसके बाद सी जो है वो भी क्या है, राइट हैंडेड है, और डी है वो भी राइट हैंडेड, लेकिन जेड वाला जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। जेड जो है वो जिगजैग है, वो क्या है लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को याद करनी है जो इसमें अपन को मोस्ट रहेगी, टाइप्स के बाद में उसके बेस पेयर और उसके बाद है रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए, हालांकि ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा लेकिन अपन यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए के अंदर रेपिटेटिव डीएनए क्या है। देखिए, जो अपने डीएनए की जो सीक्वेंस पढ़ी है अभी, जो डीएनए में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़ के आए हैं, उसमें जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें अपन ने देखा कि एक साइड 5- और एक साइड 3-, इसी तरीके से यहाँ 3- और 5-, तो इसमें जो बीच की जो बॉन्डिंग है जिसे नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ये जो बॉन्डिंग है इस तरीके से थी यहाँ ऐसे, अगर यहाँ नाइट्रोजन बेस जो है रिपीट्स हो, मतलब इनकी सीक्वेंस बार बार रिपीट हो, तो अपन इन्हें क्या बोलेंगे, रेपिटेटिव डीएनए, इस तरीके से ए ए ए ए ए ए, और सामने क्या आएगा, ए के अपोजिट क्या होता है, टी 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 टी, तो इस तरीके से अपन देखें तो यहाँ ए और टी जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं। और ये जो रेपिटेटिव डीएनए होता है ये एक तरह का सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए, इसे सैटेलाइट डीएनए क्यों बोलते हैं, याद रखना नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है इनमें जो कोई काम की नहीं होती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस वो होगी जो काम की नहीं होती है। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये 0.1% प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि 99.9 तो कौन सा डीएनए होता है, बल्क डीएनए, और लेकिन सैटेलाइट डीएनए कितना होता है, 0.1% होता है, जो कि रेपिटेटिव सीक्वेंस पर लिया होता है। अब इस रेपिटेटिव सीक्वेंस में भी अगर देखें तो दो तरह के सैटेलाइट बनते हैं अपने पास में, एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा कौन सा होता है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। अगर मिनी की बात करें तो इसके अंदर होते हैं 10-60, यानी 10-60 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें अपन कहते हैं VNTR सीक्वेंस,
जिन्हें क्या बोलते हैं, VNTR सीक्वेंस यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये बायोटेक का टॉपिक है, वहां आप लोगों ने डिस्कस किया भी हुआ है। नेक्स्ट जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें क्या होगा, एक से लेकर 8 बेस पेयर, 128 बेस पेयर, इसे क्या कहते हैं अपन STR। STR की फुल फॉर्म शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। तो सैटेलाइट डीएनए जिसके अंदर सीक्वेंस रिपीट हो रही है, और जब सीक्वेंस रिपीट होती है तो उसके अंदर इस तरीके से ए टी टी कोई भी हो सकता है, यू भी, जैसे अपन सी और जी की बात करें तो सी और जी भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं अपन, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये नॉन कोडिंग होते हैं और नॉन कोडिंग जो है कोई काम के नहीं होते, ऐसे याद करना आपने, काम के और बिना काम के, ठीक है। तो ये तो थे अपने रिपीटेटिव सीक्वेंस। इसके बाद में एक टर्म देखें, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, वो याद कर लीजिए, माइंड में फिट हो जाएगा। देखो हिंदी में आप लिखते हो कनक, लिखते हो, यहाँ से पढ़ोगे इधर जाओगे तो भी सेम, यहाँ से पढ़ोगे इधर जाओगे तो भी सेम, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा सीधा एक बराबर है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि डीएनए के अंदर ऐसी कौन सी सीक्वेंस होती है जो उल्टा सीधा एक बराबर आए, देखिए कैसे। मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, ये 5' है, यहाँ से अपन शुरू करें, जी ए ए टी टी सी और 3'। इसी तरीके से अगर दूसरे जो स्टैंड है उस पर शुरू करें तो 3' आएगा यहाँ अपोजिट, यहाँ क्या लिखेंगे, सी टी टी ए ए जी और 5'। अब यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, जी ए ए टी टी सी, इधर से जी ए ए टी टी सी, यानी उल्टा सीधा पढ़ने पर जब एक जैसी सीक्वेंस आए तो अपन क्या बोलेंगे उसे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या लिखेंगे इसे, इट हैज बेस सीक्वेंस, ये कौन सी सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस विच रीड द सेम ऑन बोथ स्टैंड आइदर 5-2, 3' और 3-2, 5' डायरेक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं उनसे हम इन्हें अलग अलग करते हैं, अलग अलग पता लगाते हैं। ये हम बायोटेक के अंदर मॉलिक्यूलर सीजर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद करोगे, पैलिंड्रोमिक सैटेलाइट डीएनए और यहाँ डीएनए के टाइप्स, और उसके बाद मिनी सैटेलाइट और ये माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो डीएनए है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में, तो अपन डीएनए की अमाउंट को लेके चले, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम। तो याद रखोगे ये जो डीएनए है, इस डीएनए की जो अमाउंट होती है उसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, पिकोग्राम से एक्सप्रेस करते हैं, और एक पिकोग्राम पीजी, पिकोग्राम बराबर 10^12 ग्राम, ये वैल्यू आप याद रखोगे एक पिकोग्राम के लिए। ये डीएनए की अमाउंट के लिए है, डीएनए की अमाउंट के लिए है, क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज एक्सप्रेस्ड इन पिकोग्राम, ठीक है। तो ये अपना एक छोटी सी टर्म और याद हो जाएगी। नेक्स्ट, एक टर्म आपने याद रखनी है, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, याद आया कुछ पीसीआर के अंदर, अगर डीएनए को हीट दें तो दोनों डीएनए स्टैंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ब्रेक, अलग अलग हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। लेकिन जब पॉलीमरेज देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये वापस से जुड़ जाते हैं और इसे क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन। यानी ज्यादा हीट देने पर तो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, टेम्परेचर को कम दे देंगे और पॉलीमरेज प्राइमर दिया तो नए डीएनए बने तो वहां रीनेचुरेशन हो जाता है, वापस जुड़ जाते हैं। इसका एक दूसरी टर्म भी यूज करते हैं इसमें, एनिलिंग। तो पेपर में अपन को दोनों ही चीजें मिल सकती है, रीनेचुरेशन भी और एनलिंग भी, तो ये टर्म्स आप भूलेंगे नहीं, याद करेंगे, ठीक है। अब डीएनए के फंक्शन देखते हैं कि डीएनए जो है उसके फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन बताएंगे कोई, कि फैक्टर और जीन वर्ड यूज किया था अपनों ने, फैक्टर और जीन, उसके लिए अपन क्या याद करें कि डीएनए जो है उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को सेट करता है और ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, वेरिएशंस को शो करता है, वेरिएशंस, जब दो एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो इसका मतलब दो अलग अलग डीएनए आपस में मिलते हैं तो क्या शो करेगा, वेरिएशन को शो करता है। और जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन को भी शो करता है, क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, स्पाइडरमैन को, हल्क को अपनों ने पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर, कि जो म्यूटेशन होता है वो सडन चेंज होते हैं, वो कहाँ होगा, डीएनए के अंदर। तो ये जो चीजें हैं इसमें, ये डीएनए के फंक्शन में अपन इंक्लूड करेंगे। और एक डीएनए का फंक्शन ये भी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो हम पढ़ेंगे इसके बाद का टॉपिक आएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज करते हैं इसको, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये डीएनए के बारे में अपने बेसिक पॉइंट हुए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो टाइप्स का, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन क्या है, पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है, पिकोग्राम क्या है, जल्दी से फटाफट। ओके,
डीएनए की जो टर्म्स है उसके बाद देखें तो ये है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया, मतलब बताया गया। और उसी तरीके से ये देखें कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। सबसे पहले याद करने का तरीका देखें, हमें पता है हम किस पर बात कर रहे हैं, डीएनए पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? डीएनए पर। जो डीएनए है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। जो डीएनए है उसमें सबसे पहली एक प्रोसेस होगी जिसे अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये डीएनए को कन्वर्ट कर देती है एमआरएनए के अंदर, और ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। यानी डीएनए से एमआरएनए की जो बनने की प्रोसेस है ये कहाँ कंप्लीट होगी? ये न्यूक्लियस में ही कंप्लीट होगी, न्यूक्लियस में। अब एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और वहाँ आकर इसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, यानी आप इसे कहते हो अनुलेखन, इसे अनुवादन कहते हो। अब एमआरएनए के अंदर ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन से बनती है प्रोटीन, यानी अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, और जब वो जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस कहते हैं। यानी ये जो पेप्टाइड्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए कि एक सीक्वेंस है, तो यूनिडायरेक्शनल, ये मास्टर डीएनए हो गया, फिर उसके बाद आरएनए, फिर पेप्टाइड। तो ये एक सीक्वेंस जो बनती है इसे अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा फ्लो कहते हैं, सेंट्रल डोगमा प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को बताया किसने था? फ्रांसिस क्रिक ने। अब ये फ्रांसिस क्रिक वही है, कौन? फ्रांसिस क्रिक, जिसने वाटसन के साथ मिलकर, ये नोट याद रखना, क्या वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया था। और ये जो स्ट्रक्चर होती है डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर इरविन चारगाफ का भी रूल फॉलो करते हैं। इरविन चारगाफ के अकॉर्डिंग क्या था? ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यानी प्यूरीन और पिरिमिडिन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, और इसकी जो बैकबोन होती है, किसकी बैकबोन? डीएनए की बैकबोन कौन सी थी? ये वाली स्ट्रक्चर, यानी ये जो बाहर की जो रिबन जैसी स्ट्रक्चर है इसे बैकबोन। इस बैकबोन के अंदर शुगर प्लस फॉस्फेट, दो चीज़ें होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट होती है, और जो बेसिस होते हैं वो बेसिस बीच के अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों जो स्टैंड है वो दोनों स्टैंड क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल फैशन के अंदर होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब पढ़ चुके हैं, 5' और दूसरा 3'। इसी तरीके से उस दूसरी साइड देखेंगे तो वो 3' और 5', इस तरीके से 5', 3', 3', 5', एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो बीच के अंदर नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, बताओ, आराम बताओ जल्दी। ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यानी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से ये प्यूरीन और पिरिमिडिन की जो स्ट्रक्चर्स है ये आपस में जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बैकबोन को बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और हम पढ़ चुके हैं टाइप्स के अंदर कि ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? राइट हैंडेड होती है, और राइट हैंडेड के साथ में 34 एंगस्ट्रोम याद करना है। 10 बेस पेयर के बीच की जो जगह होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रोम। और दो बेस पेयर के बीच की जगह कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रोम होती है, ठीक है। ये तो जो वाटसन और क्रिक ने जो हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बताया वो है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी, जो कि किसने दी है? फ्रांसिस क्रिक ने दी है, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होती है जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। फिर एमआरएनए में कन्वर्ट होने के बाद में ये साइटोप्लाज्म में आकर प्रोटीन के अंदर, यानी अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये तो जो प्रोसेस थी ये तो कौन सी थी? सेंट्रल डोगमा थ्योरी। अब रिवर्स सेंट्रल डोगमा क्या है? रिवर्स सेंट्रल डोगमा क्या है कोई बता सकता है भाई? विवेक, हाँ अश्विनी, राम, बिल्कुल ठीक। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा यानी ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको बैक लेके जाना है, यानी एमआरएनए से क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। तो ये एमआरएनए अपन यहाँ बना लेते हैं, एमआरएनए से डीएनए के अंदर कन्वर्ट करना, ये क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये एमआरएनए से डीएनए, कोई एग्जांपल बता सकते हैं भाई? इसका एग्जांपल याद रखिए आप, वायरस, जैसे अपने सिलेबस में है एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस बॉडी में एंट्री करता है तो उसमें प्रेजेंट होता है आरएनए, और बॉडी में जाने के बाद में, सेल में जाने के बाद में वो किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए के अंदर। तो वहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी और एमआरएनए किस में चेंज हो जाएगा, डीएनए के अंदर। तो पेपर के अंदर रिवर्स सेंट्रल डोगमा लिखा हो या फिर टेमिनिज्म लिखा हो, एक ही बात है, टेमिनिज्म लिखा हो। अब टेमिनिज्म क्यों लिखा हो सकता है बताओ? क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को किसने बताया था? टेमिन और बाल्टीमोर, बाल्टीमोर, टेमिन और बाल्टीमोर। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया? टेमिनिज्म, टेमिनिज्म, टेमिनिज्म। और ये किसमें देखने को मिलती है? मोस्ट ऑफ वायरस के अंदर। और इस वायरस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताया था इन साइंटिस्ट ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो सेंट्रल डोगमा और रिवर्स सेंट्रल डोगमा या टेमिनिज्म को आप इस तरीके से याद करेंगे, सेंट्रल डोगमा क्रिक के लिए और टेमिनिज्म टेमिन और बाल्टीमोर के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यानी हमने अभी पढ़ा कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर है, यानी सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे अपन जेनेटिक मटीरियल या डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए है, इस डीएनए की अंदर पैकेजिंग क्या है, मतलब ये इतनी छोटी सी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ इस ये डीएनए किस तरीके से सेट किया गया है, तो उसे अपन कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हमने पढ़ा था कि जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर होती है, जिसे अगर मीटर में शो करें तो 0.34 इंटू 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल है उस ह्यूमन सेल के अंदर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डीएनए है उसकी लेंथ अगर मीटर में शो करें तो कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई 0.34 इंटू 10 की पावर 9। तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारी लेंथ किसकी होगी? ह्यूमन डिप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट डीएनए की। तो कितना आएगा? 2.2 मीटर। तो ये लेंथ आई ह्यूमन डिप्लॉइड सेल के लिए। इसी तरीके से हम ई कोलाई के अंदर देखें तो ई कोलाई के अंदर छोटी सी सेल कितनी है? वन म्यू एम। इसके अंदर देखें तो कितना होगा? अगर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 इतनी लेंथ, ठीक है, और अगर इसकी फाइंड आउट करें टोटल मीटर के अंदर तो आएगा 1.36 मिलीमीटर। तो इतनी जो लेंथ है वो लेंथ इतनी सी सेल के अंदर किस तरीके से पैक की गई है। तो ये जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं अपन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यानी लेंथ देखो कितनी है, सेल इतनी बड़ी है ही नहीं है, लेंथ ज़्यादा है सेल इतनी बड़ी है ही नहीं है, तो इसके अंदर किस तरीके से इसको पैक किया जाता है उसको पैकेजिंग कहते हैं। ये पैकेजिंग हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक पैकेजिंग पढ़ सकते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? सबसे बड़ी एग्जांपल याद रखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो अब देखो कि न्यूक्लियस नहीं है, इस वजह से जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है जिसे अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं वो क्या साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है? नहीं, बिखरा नहीं रहता, वो यहाँ पर पैक रहता है। और पैक किसके साथ रहता है? वो नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन पॉली अमीन्स, इससे यहाँ पैक रहेगा। और ये जो पैकेजिंग है वो प्रोटीन के ऊपर है, और प्रोटीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि डीएनए नेगेटिव होता है तो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर पैक रहेगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। इसलिए इस पैक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी याद कर सकते हैं, जीनोफोर, जीनोफोर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसमें रहेगी? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये बेस पेयर याद करना है आपको जैसा दे रखा है सेम। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन याद करनी है, और ये जो पैकेजिंग है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोइड कहलाती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, कैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले याद करें अपन इसके अंदर कि जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, यानी ये सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीएनए, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पैक रहती है। सबसे पहली बात याद रखनी है अपने, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पैक रहती है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, ये हिस्टोन क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है तो इसका मतलब डीएनए जो नेगेटिव है वो उसके ऊपर रैप रहता है, लिपटा हुआ रहता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर
आप याद रखोगे कि हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, कौन से याद रखोगे, लाइसिन और आर्जिनिन्स, ये अमीनो एसिड्स ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। अगर हिस्टोन की बात करें कि हिस्टोन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, हिस्टोन के लिए आप याद करो हिस्टोन पांच अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, हिस्टोन पांच अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, H1 H2A H2B H3 और H4। देखो H1 H2 H3 H4 2 के दो पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हिस्टोन जो है वो पांच अलग अलग हिस्टोन से मिलकर बनी होती है। इसमें देखें तो जो चार है ये वाली जो चार है, ये चारों के चारों मिल करके एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं। ऑक्टामर क्यों नाम दिया, क्योंकि इसकी भी दो कॉपी, इसकी भी दो, यानी आठ कॉपी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे ऑक्टामर कहते हैं। और NU बॉडी भी कहते हैं। तो सबसे पहले याद करो हिस्टोन जो है उसमें प्रोपॉजिटिव चार्ज है, हिस्टोन एक प्रोटीन है, इसकी पांच प्रोटीन यहाँ पैकेजिंग में काम आती है, जिसमें से चार जो है वो ऑक्टामर बनाती है और एक जो है वो DNA के लिंकर जो होंगे उनको जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो DNA होता है वो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन के ऊपर लिपट जाता है, रैप हो जाता है, और रैप की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। मान लेते हैं अपन ये टोटल एच जो है इसको अपन क्या माने, एक बार हिस्टोन प्रोटीन माने, और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर DNA जो है वो मान लीजिए इस तरीके से रैप हो रखा है, ठीक है, रैप हो रखा है और DNA, तो ये जो स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, इसको NCERT के डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये अपनी हिस्टोन प्रोटीन होगी, और इस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो अपना DNA है वो इस तरीके से लिपटा हुआ है, ये राउंड इस तरीके से जाएगा यहाँ से ये, और फिर उसके बाद वापस यहाँ से इस तरीके से और यहाँ, तो ये जो राउंड इस तरीके से लिया है DNA ने हिस्टोन के ऊपर, उस पर इस तरीके से एक छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जो भी हिस्टोन का पार्ट है, लेकिन इसका नाम है H1 हिस्टोन, और ये जो बीच में जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये ऑक्टामर है हिस्टोन का। तो इस ऑक्टामर के अंदर चार आगे की तरफ, चार बैक साइड जो है वो हिस्टोन लगी रहती है, कौन कौन सी, H2A H2B H3 और H4 लगी रहती है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसी कितनी सारी होगी, बहुत सारी होगी। जब ये स्ट्रक्चर बहुत सारी होती है तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मिल करके क्या बनाती है, एक धागे जैसी स्ट्रक्चर बनाती है इस तरीके से, उस पर यहाँ ऐसे ऐसे हिस्टोन, यानी अपन कह सकते हैं एक तरह की माला बन गई, जिसे अपन कैसे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी एक माला है, उस माला के ऊपर मोती लगे हुए हैं और बीच में ये धागे लगे हुए हैं, धागे क्या हो गए, DNA हो गए, ठीक है। तो ये जो ऑक्टामर है इसके ऊपर जो लिपटने की DNA की जो टर्न होती है वो रहती है 1.75 टर्न, यानी दो राउंड पूरे नहीं होते हैं, 0.75 होते ही वो दूसरे के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अपन याद रखेंगे DNA पर जो रैपिंग हो रही है, DNA की जो रैपिंग हो रही है वो लगभग 200 बेस पेयर की रैपिंग है और टर्न कितने लेता है, 1.75 टर्न लेता है, ठीक है। तो इससे जो न्यूक्लियोसोम है उस न्यूक्लियोसोम का साइज क्या रहता है, 110 × 60 एंगस्ट्रॉम, ये इसका साइज रहता है जब ये बेस पेयर इसके ऊपर रैप करता है, ठीक है। अब ये एक था, ऐसा दूसरा होगा तो दूसरा जो बनेगा उसके साथ में ये मान लो इस तरीके से आकर रैप होगा, तो ये बीच का जो DNA है इस DNA को क्या बोलते हैं, लिंकर DNA। ध्यान से सुनिए, एक स्टोन से जब दूसरे स्टोन पर DNA लिपटता है, यानी ऐसी मोतियों की माला बनेगी ना इस तरीके से, तब उस टाइम ये जो बीच का जो DNA होगा, ये बीच का DNA उसे लिंकर DNA कहते हैं, और ये लगभग 80 बेस पेयर का होता है। अब ये जो बार बार रिपीट होकर ये स्ट्रक्चर जो बन रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं बताओ, क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपस में जुड़कर क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर, यानी धागे जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर बनेगी बाद में, ये कन्वर्ट होगी किसमें, कन्वर्ट होगी क्रोमोसोम के अंदर होगी, कब होगी, सेल डिवीजन के टाइम होती है और ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान से सुनिए,
सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में धागे जैसी स्ट्रक्चर, किस पर ये रैप है, किस पर लिपटी हुई है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। एक हिस्टोन और दूसरे हिस्टोन के बीच का जो लिंक है वो जो डीएनए है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं, वो लगभग 80 बेस पेयर का होता है और बार बार रिपीट होकर स्ट्रक्चर ये क्या बनाती है, क्रोमेटिन फाइबर बनाती है। ये क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं सेल डिवीजन के टाइम होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, ये धागे जैसी स्ट्रक्चर को अपन दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ सकते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, और दूसरी पढ़ सकते हैं यू क्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन दो पार्ट हो गए, किसके पार्ट हो गए, इस धागे जैसी जो स्ट्रक्चर बनी है इसके लिए। तो सबसे पहले याद करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन में याद रखोगे यह स्ट्रक्चर डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है, डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, लाइट स्टेन स्ट्रक्चर होती है। तो हेटेरो के लिए दूसरी बात, डेंसली पैक होते हैं। डेंसली, जब डेंसली पैक का तो अपने आप डार्क दिखेंगे, और ये दूसरे फिर क्या हो जाएंगे, लूजली पैक होंगे, और लूजली पैक का तो लाइट दिखेंगे। डेंसली पैक है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव होते हैं, किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होते हैं, एक्टिव। तो ये तीन अंतर आपने याद करने हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के अंदर, और डीएनए के पैकेजिंग के अंदर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन में ऑक्टामर बनता है H2A, H2B, H3, H4 से, और H1 जो है वो इस तरीके से दो जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो लिंक होगा किसका, डीएनए का, उसे जोड़ने का काम करती है। दो हिस्टोन के बीच का जो लिंक है उसे लिंकर डीएनए कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी धागे जैसी वो फाइबर, और उसके बाद ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये थी पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकेरियोट्स। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉलिक्यूलर बेसिस से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए डीएनए मॉलिक्यूल हैज 20,000 बेस पेयर, यानी बेस पेयर कितने दे रखे हैं, 20,000 बेस पेयर दे रखे हैं, 20,000। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, शुगर और फॉस्फेट और एन ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड कितने हैं। तो सॉल्यूशन बताएं भी, सॉल्यूशन चार ग्राफ का रूल सबको पता ही है, तो चार ग्राफ के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले अपने देखें कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, कितने, 4,000, ठीक है। कैसे, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं सबको पता है, टाइड का मतलब तीनों, क्या तीनों, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर टोटल नंबर ऑफ शुगर कितने रहेंगे, 4,000, ठीक है। इसी तरीके से फॉस्फेट फिर कितने रहेंगे, 4,000। कैसे, ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर बेस पेयर, बेस पेयर एक बेस पेयर ये होता है, तो ऐसे बेस पेयर कितने हैं, ऐसे बेस पेयर कितने हैं, 2000 है। जब 2000 बेस पेयर हैं, इसका मतलब एक बेस पेयर में दो नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक बेस पेयर में नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर देखें तो यहां अपने पास में जो टाइड बनेंगे, टाइड कितने बनेंगे, दोनों स्टैंड पे बनते हैं ना टाइड, तो भाई डीएनए तो स्टैंड एक हो गया, ये एक स्टैंड ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया, और टोटल जो दे रखे हैं बेस पेयर कितने दे रखे हैं, वो 2000 दे रखे हैं, ठीक है, 2000, ये एक दो तीन इस तरीके से। तो दोनों की काउंटिंग कर रहे हैं ना अपन, तो ये दोनों स्टैंड की काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड है, इस पे भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस पे भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसलिए हम काउंट करें कि अगर 4000 शुगर प्रेजेंट है और 4000 ही फॉस्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2000 बेस पेयर होंगे, तो 2000 बेस पेयर का मतलब डबल शुगर और डबल ही फॉस्फेट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखें कि नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज कितने हैं, तो बताइए, बिल्कुल सिंपल है, कितने होंगे, 4000 होंगे,
भाई शुगर कितनी है? 4000 है। फॉस्फेट कितने हैं? 4000 है। और आप सबको पता है कि जो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइटिक। शुगर कितनी है? 4000 है। तो बॉन्ड भी कितने होंगे? 4000 होंगे। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, उससे हमने क्या अलग किया है? डीएनए अलग किया है। और इसके अंदर अगर देखें तो जो ए है उसकी अमाउंट दे रखी है अपने को कितनी? 28%। तो हमें कैलकुलेट कौन सी करनी है? सी की अमाउंट करनी है। तो अब सबको चार ग्राफ का रूल याद है, ए डबल बॉन्ड, टी सी ट्रिपल बॉन्ड, जी, ये चार ग्राफ का रूल है। तो ए डबल बॉन्ड टी, तो ए जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? टी होंगे। तो इसका मतलब ये देखो, ए कितने दे रखे हैं? 28% दे रखे हैं। मान लो अपन 28 ही मान लो, परसेंट ना मानो, 28 मान लीजिए। तो उसी तरीके से टी कितने होंगे? 28 ही होंगे, 28 ही होंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों का अगर रेशियो या टोटल देखें अपन, 56% बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जी और सी की बात करें, जी और सी कितने होंगे? जी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी जितने जी होते हैं उतने ही सी होंगे। तो देखो 44%, 22%, 22%। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि चार ग्राफ के रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए और टी बराबर रहते हैं, सी और जी बराबर रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ 28 28%, 56। तो अगर 100 की बात करें टोटल, तो 100 में से 56 तो क्या है? ए और टी का रेशियो है। अब बचा कौन सा? 44। तो 44 जो रेशियो है वो किसके लिए आ जाएगा? जी और सी के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो दे रखी है 5' से 3' की तरफ, अपन को कप्लीमेंट्री स्ट्रैंड सीक्वेंस लिखनी है जो 5' से 3' की तरफ हो, ठीक है। तो अपनों ने, हालांकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ध्यान सिर्फ ये रखना है 5' से 3' का, क्योंकि ये देखो अपन 5' से 3' की तरफ पढ़ रहे हैं और इसने यहाँ भी ये दे दिया। तो इसका मतलब लिखना तो अपन को इस साइड से है, उल्टी साइड से, कंप्लीमेंट्री साइड से, लेकिन रीड इस तरीके से निशान शो करेंगे अपन उसके अंदर, आंसर के अंदर। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, मैं इसको सीधा ही बना रहा हूँ यहाँ पर। आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ 3' आएगा और यहाँ पर 5', ठीक है। तो डायरेक्शन अपनी कौन सी होगी? 5' से 3' की तरफ, इस साइड से, ठीक है। लिख इस साइड से लेते हैं, अपना निशानी लगाना है। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है 5' से 3' की तरफ जाना है। तो जैसे जी के सामने क्या आएगा? सी, फिर सी के सामने जी, फिर टी के सामने ए, फिर ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, फिर टी ए जी सी, टी जी सी और ए। इस तरीके से हमने 5' से 3' की तरफ इसको राइट करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्रेट द नंबर ऑफ बीडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल पॉसिस 2.4 × 10^6 बेस पेयर। यानी अपन अभी पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम यानी हिस्टोन जो है उसके ऊपर इस तरह से डीएनए का रैप होना, डीएनए रैप होकर इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको अपन न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो बेस पेयर है वो कितने प्रेजेंट है? 2.4 × 10^6। और अपन को पता है एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके अंदर बेस पेयर कितने होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर। तो इसके लिए जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी? कितने न्यूक्लियोसोम आएंगे फिर? 2.4 × 10^6 /
200, कैलकुलेशन करें इसकी, तो कैलकुलेशन में यहाँ लिख देता हूँ 1.2 इंटू 10 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा अपना, ये न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो शीट दे रखी है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे, और ये अपना एक टॉपिक पूरा हुआ है, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।